हेलो भाई, मैं सचिन संसनवाल, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो भाई आज की वीडियो में आप देख रहे हो मारुति की तरफ से आने वाला प्रोडक्ट बलेनो। बलेनो के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि बलेनो के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। ये जो इसका मॉडल प्रॉपर होने वाला है ये डेल्टा है, और डेल्टा ही क्यों होने वाला है, डेल्टा हम इसलिए लेके आए हैं भाई। बहुत सारे भाई सोच रहे हैं 2022 में बलेनो लेने का प्लान बना रहे हैं, तो मतलब बलेनो वो कन्फ्यूज़ है कि कौन सी बलेनो लें, कौन सा मॉडल लें, कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है हमारे लिए। जैसा कि आपको पता है बलेनो चार मॉडल्स ऑफर करती है। सबसे नीचे वाला आ जाता है सिग्मा, फिर डेल्टा, फिर जेटा और फिर अल्फा। अल्फा इसका टॉप एंड वेरिएंट है, और सिग्मा जो आपको इसका मिलता है बेस वेरिएंट मिलता है। सिग्मा से एक ऊपर आपको ये मिल जाता है डेल्टा। डेल्टा में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो ज़रूरत के हैं। अगर कोई भाई चाहता है कि आफ्टर मार्केट कुछ भी ना करवाना पड़े तो भाई बिल्कुल प्रेफर है ये गाड़ी उनके लिए। आप बेशक इसको देख सकते हो, ले सकते हो, परचेज कर सकते हो अगर आपके बजट में ये आ रही है तो। भाई आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि इसमें फीचर्स के मामले में आपको क्या क्या मिल जाता है, प्राइसिंग वगैरह इसकी क्या रहने वाली है, सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ, एक शोरूम प्राइसिंग जो इसकी रहने वाली है 7,33,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइसिंग रहने वाली है न्यू दिल्ली के हिसाब से, और जो कि आपके स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकती है। आप जाके चेक कर लेना, गूगल कर लेना। और इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग है न्यू दिल्ली के हिसाब से 8,20,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइसिंग आपको पड़ जाती है। और सबसे पहले तो भाई एक बार आप इसको सामने से देखो, कितनी ही ख़तरनाक लग रही है गाड़ी देखने में, बहुत मस्त लग रही है गाड़ी, एक नंबर है भाई। इंजन की अगर बात करें, इसमें जो आपको इंजन मिलता है 1.2 लीटर का के सीरीज़ इंजन आपको इसमें मिलता है। के सीरीज़ इंजन यार मतलब परफॉर्मेंस वाइज इतना ज़बरदस्त इंजन है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है ये, बहुत प्यारा इंजन है भाई ये। 1197 सीसी का मिलता है, जो पावर आपके प्रोड्यूस करता है 88 bhp की पावर और 113 nm का टॉर्क जनरेट करता है। फोर सिलेंडर गाड़ी है जैसा कि आपको पता है, मैनुअल में आती है 5-speed गियर के साथ, पेट्रोल में है जैसा कि आपको पता है। जो इस पे कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है पेट्रोल में 22.35 kmpl का माइलेज इस पे कंपनी क्लेम कर रही है, और जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 37 लीटर्स की आपको मिल जाती है। हाईवे पे जो इसका कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है भाई 24 kmpl का माइलेज इस पे कंपनी क्लेम कर रही है। एक बार इसके डायमेंशंस की और बात कर लेते हैं। लेंथ की अगर बात करें तो इसकी जो आपको लेंथ मिलती है 3990 mm की मिल जाती है। विड्थ चौड़ाई आपको 1745 mm की मिलती है। हाइट आपको 1500 mm की मिल जाती है, और व्हील बेस आपको 2520 mm का मिल जाता है। इसमें 920 से लेकर 955 किलोग्राम्स तक आपको कर्व वेट मिल जाता है। वो वेरिएंट टू वेरिएंट आपको वेरी करेगा कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट से कि फ्रंट से कैसी लगती है। फ्रंट से तो भाई नो डाउट गाड़ी बहुत ही अग्रेसिव लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। मतलब पहली जो इससे पहले वाली जनरेशन थी उससे तो कहीं ना कहीं भाई ये गाड़ी इतनी मस्त लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। अगर बात करें सामने से तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है इसकी विंडशील्ड है, विजिबिलिटी काफ़ी सही है। दो वाइपर्स मिल जाते हैं, वहीं पे आपको दो वाटर नोजल मिल जाएंगे, और इस कलर में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है गाड़ी, ऐसी बात नहीं है। नीचे आप आओगे हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो भाई प्रोजेक्टर आपको मिल जाते हैं इसी मॉडल से डेल्टा से, इसीलिए मैं बोल रहा था ये वैल्यू फॉर मनी मॉडल आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाएगी, DRLs वगैरह आपको नहीं मिलते इस मॉडल में। यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाएगी, ऐसी कुछ ग्रिल, बीच में सुजुकी का काफ़ी बड़ा सा लोगो मिल जाता है। फॉग लैंप की अगर बात करें तो फॉग लैंप की प्लेसिंग आपको ज़रूर मिल जाती है, लेकिन फॉग लैंप आपको इसमें नहीं मिलते। दो तीन सामान हैं, आप उनको एसेसरी में ऐड करा सकते हो जिनसे गाड़ी की लुक काफ़ी इनहेंस हो जाएगी, बहुत मस्त लगेगी। फाइनल लुक ये है गाड़ी की, सामने से देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही है, मस्त लग रही है। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल से। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड प्रोफाइल से लगती है कुछ ऐसी गाड़ी, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन लग रही है, प्यारी लग रही है गाड़ी देखने में, बहुत अच्छी लग रही है भाई। देख सकते हो काफ़ी लंबी है गाड़ी, ऐसी बात नहीं है, छोटी सी हैचबैक है, काफ़ी लंबी गाड़ी है, बहुत प्यारी भी लग रही है। टायर साइज़ की अगर बात करें तो देख सकते हो आप 185, 65 और 15 इंचेस का आपको इसमें टायर साइज़ मिल जाता है। सामने आपको फ्रंट में मिलती हैं वेंटिलेटेड डिस्क, रियर में आपको मिलती हैं ड्रम ब्रेक, और ये व्हील कैप आपको लगा के देते हैं, देख सकते हो आप। यहीं आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा ORVM पे, ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट है। अब जैसे आप देखते थे यहाँ फेंडर पे इंडिकेटर मिलता था, वो चीज़ तो आप भूल जाओ, ये चीज़ बहुत ही मस्त है, देख सकते हो। यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाएंगे आपको बॉडी कलर्ड ही, ए पिलर बी पिलर आपको ब्लैकआउट फिनिशिंग के साथ मिलेंगे, देख सकते हो। बाकी ओवरऑल फाइनल लुक ये है इसकी साइड प्रोफाइल की। अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल से। रियर की अगर बात करें तो रियर से आपको लगती है कुछ ऐसी गाड़ी।
रियर से भी काफ़ी चौड़ी गाड़ी, बहुत ही मैसिव लग रही है भाई, देखने में बहुत प्यारी लग रही है, नो डाउट एक नंबर लग रही है गाड़ी। अगर बात करें पीछे से तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, ये स्पॉइलर ही है, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाएगा, डिफॉगर भी आपको इसी मॉडल से ऑफर कर दिए जाते हैं। एक चीज़ जो आप इसमें मिस करोगे, यहाँ पे जो क्रोम आती है वो चौड़ी सी, वो इसमें नहीं मिलती है। आप चाहो तो एसेसरी में उसको ऐड भी करा सकते हो, और मेरे हिसाब से तो ऐड ही करानी चाहिए, वो काफ़ी अच्छी भी लगती है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, देख सकते हो, यहाँ पे आपको बलेनो की बैजिंग मिल जाएगी क्रोम में। और टेल लैम्प्स की अगर बात करें तो भाई इसके जो टेल लैम्प्स हैं फुली एलईडी का सेटअप आपको इसमें मिलता है, टेल लैम्प्स आपको एलईडी में मिल जाते हैं, ये काफ़ी प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं देखने में रात को जब ये चलते हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे दो, और यहाँ पे आपको कैमरा वगैरह की प्लेसिंग तो भाई कुछ मिलेगी नहीं, यहाँ पे चार रिवर्स रोक सेंसर आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल फाइनल लुक ये है इसकी पीछे से। बूट स्पेस की अगर बात करें तो भाई इसमें जो आपको बूट स्पेस मिलता है 318 लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस भी मिल जाता है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये काफ़ी नीचा सा 318 लीटर्स का बूट स्पेस, काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। पार्सल ट्रे भी आपको इसमें मिल जाती है, एक नंबर भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल भाई ये थी इसकी फाइनल लुक पीछे से। चलिए अब इंटीरियर से बात करते हैं, इंटीरियर में चलने से पहले की ओर दिखा देता हूँ मैं आपको इसकी, कि आपको इसकी की कैसी मिलती है। की की अगर बात करें तो ऐसी नॉर्मल की मिलती है आपको, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, मैनुअली ही मिलेंगी। सुजुकी का लोगो मिलता है पीछे, देख सकते हो ऐसी कुछ एक ही मिलती हैं। बाकी बात करें अगर इसके ड्राइवर साइड डोर की तो देख सकते हो ये कुछ आपको इसका ड्राइवर साइड डोर मिलता है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे लॉक अनलॉक के लिए, ORVM को सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो ये नेवी ब्लू कलर का जो टच दे रखा है भाई, ये चीज़ काफ़ी बेस्ट लगती है इसकी। यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी, बोतल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाएगी, ये ब्लैक कलर के आपको डोर ओपनर मिल जाएंगे, बाकी चार स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम आपको इसमें मिलता है। तो ये है आपको मिलता है जो इसका इंटीरियर, ऐसा कुछ लगता है, ये देख सकते हो आप इंटीरियर कुछ ऐसा लगेगा इसका। सीट्स की अगर बात करें तो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही मिलती है सीट्स में आपको, हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको इसमें नहीं मिलती। यहाँ पे आपको इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, लाइट के लेवलिंग के कंट्रोल मिल जाएंगे। एक बार मैं सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ फिर आगे की बात करते हैं। अगर बात करें इसके स्टेयरिंग की तो भाई देख सकते हो ऐसा कुछ आपको इसमें स्टेयरिंग मिलता है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे मीडिया से रिलेटेड, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ब्लूटूथ से रिलेटेड कंट्रोल्स, और बाकी स्टेयरिंग आपको कुछ ऐसा मिलता है, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा बीच में। अगर इस यहाँ के पे बात करें तो यहाँ आपको मिलते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे एक बार इसमें की लगा के, ये मिलता है भाई आपको इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी प्यारा है भाई इसका, जो बात है सीरियसली बहुत अच्छा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। इसमें 220 तक स्पीड मार्किंग की हुई है, लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिलता है, बीच में आपको एक MID मिल जाती है, देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया है इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई, पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इनफैक्ट ये भाई आपको बेस मॉडल से ही ऑफर करती है बलेनो, बढ़िया भाई एक नंबर है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स ऐसे मिलते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कार्बन फिनिशिंग से मिल जाएगी, यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्मोकी सिल्वर सी मिल जाएगी, देख सकते हो। बाकी सेंटर से अगर बात करें तो 7 इंचेस की आपको टच स्क्रीन मिलती है इसमें, देख सकते हो एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सबको सपोर्ट करती है। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे स्मोकी सिल्वर सी है जो ये कंटिन्यू की हुई है, काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है जो कि बेस मॉडल से ही ऑफर कर देती है बलेनो, देख सकते हो। बाकी जो मतलब मैं बात कर रहा था वैल्यू फॉर मनी जो है, मतलब ये ही गाड़ी है वैल्यू फॉर मनी, इसमें टच स्क्रीन वगैरह आपको सब कुछ ये कंपनी से ही मिलती है, कंपनी फिटेड ही, काफ़ी सही है, मतलब बहुत सही है यार। यहाँ पे आपको USB वगैरह के पोर्ट वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 कप होल्डर, स्टोरेज वगैरह, यहाँ पे ये मैनुअल हैंड ब्रेक, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आती है, यहाँ पे कुछ ऐसी लगती है, लाइट्स मिल जाती हैं, IRVM, यहाँ पे सनवाइज़र वैनिटी मिरर के साथ। तो देख सकते हो ओवरऑल भाई ये लोग है इसके सामने से। पीछे तो मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, वही स्पेस मिलता है पीछे आपको, सेम स्पेस है इसके, मैंने रिव्यू कर रखे हैं और मॉडल्स के, अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाके आप देख सकते हो, फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसकी कुछ पीछे की स्टिंग, और भाई मैंने ये सीट पीछे कर ली थी खूब, मतलब थोड़ी सी आगे कर ली है, मतलब स्पेस के रिगार्डिंग भाई बलेनो में कोई दिक्कत नहीं है, सीरियसली बहुत मस्त स्पेस है बलेनो में, 3 बंदे तो आराम से बैठ सकते हैं। और इसमें जो आपको हेडरेस्ट मिलते हैं वो फिक्स मिलते हैं, एडजस्टेबल आपको नहीं मिलते, एडजस्टेबल सिर्फ आगे ही मिलते हैं,
पीछे से अगर बात करें इंटीरियर कैसे लगता है, तो पीछे से कुछ ऐसा इसका इंटीरियर लगता है, देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है, मस्त भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पीछे आपको देख सकते हो सॉकेट वगैरह का पोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए बाहर उतर के बात करते हैं। यहाँ भी आपको ऐसी ही नेवी कलर की सी मिल जाती है, नेवी ब्लू कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। तो भाई देख सकते हो ओवरऑल कुछ ऐसी ही वीडियो थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को ज़रूर से जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।